हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आप अगर 2024 साल में एक 125cc स्कूटर खरीदने की सोच रहे हो जो कि परफॉर्मेंस के साथ साथ ज्यादा माइलेज भी दे और मेंटेनेंस का खर्चा भी कम हो, तो फिर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम चार नहीं पांच नहीं बल्कि टॉप 10 बेस्ट 125cc स्कूटर्स के बारे में बात करेंगे जो कि 2024 में लेटेस्ट OBD2 मॉडल के साथ आपको इंडिया में खरीदने को मिलेंगे, जिसमें आपको परफॉर्मेंस के साथ साथ ज्यादा माइलेज भी देखने को मिलेंगे। और ये क्या फीचर्स, स्पेस एंड प्राइजेस के साथ आती है, सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल में जानकारी मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी स्कूटर है जो आपके लिए ज्यादा सुटेबल हो सकती है। आप देख रहे हो प्रो MTR YouTube चैनल। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको कोई भी ऑटोमोबाइल इन्फॉर्मेशन वीडियोस मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में 9th नंबर पे जो स्कूटर आती है उसका नाम है होंडा डियो 125। एक स्टाइलिश स्कूटर है जो अपने स्टनिंग ड्यूअल टोन कलर स्कीम्स और डायनेमिक ग्राफिक्स के साथ आती है। इस स्कूटर में आपको पैरल साइलेंट ब्लू, पैरल डीप ग्राउंड ग्रे, पैरल नाइट स्टार ब्लैक, मैट मार्बल ब्लू मेटालिक, मैट एक्सेस ग्रे मेटालिक, मैट सिंगारिया रेड मेटालिक, रेड स्पोर्ट रेड, रोज व्हाइट एंड वाइब्रेंट ऑरेंज जैसे कलर्स के साथ आपको ये स्कूटर देखने को मिलेंगे। इंजन की बात करें तो होंडा डियो 125 में आपको 123.92cc का इंजन आपको देखने को मिल जाती है, जिसका मैक्सिमम पावर आपको 8.16 bhp देखने को मिलेंगे। फुल टैंक कैपेसिटी इस स्कूटर में आपको 5.3 लीटर्स की देखने को मिलती है, जो कि प्रोड्यूस करती है 48 kmp माइलेज की। वेट की बात करें तो इस स्कूटर में आपको 104 किलो की वेट देखने को मिल जाती है। प्राइजेंस की बात करें तो होंडा डियो 125 का जो ऑन रोड प्राइस इंडिया में स्टार्ट होती है वो है 1,03,000 रुपये से, और जो स्पेशल एडिशन है उसका प्राइस स्टार्ट होती है 1,13,195 रुपये से। सो दोस्तों, इस लिस्ट में 8th नंबर पे जो स्कूटर आती है उसका नाम है यामाहा फैशिनो 125। एक एलिगेंट स्कूटर है जो अपने यूनिक डिजाइन और वाइब्रेंट कलर के साथ आती है। इस स्कूटर में आपको विविड रेड, कॉकटेल येलो, कैन ब्लू, मेटालिक ब्लैक, कूल ब्लू मेटालिक एंड डार्क मैट ब्लू कलर्स ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे। बात करें इंजन की तो इस स्कूटर में आपको 125cc का आपको इंजन देखने को मिलेंगे, जो कि प्रोड्यूस करती है 8.04 bhp ऑफ पावर। फुल टैंक कैपेसिटी इस स्कूटर में आपको 5.2 लीटर्स के आपको देखने को मिलेंगे, जो कि लगभग प्रोड्यूस करती है 49 kmp माइलेज की। वेट की बात करें तो इस स्कूटर का जो वेट है वो लगभग 99 किलो का है। प्राइस रेंज की बात करें तो यामाहा फैशिनो 125 का जो बेस वेरिएंट है उसका प्राइस इंडिया में स्टार्ट होती है ऑन रोड 1,03,000 रुपये से, एंड यामाहा फैशिनो 125 का जो टॉप वेरिएंट है उसका प्राइस इंडिया में स्टार्ट होती है 1,16,100 रुपये से। तो दोस्तों, इस लिस्ट में 7th नंबर पे जो स्कूटर आती है उसका नाम है सुजुकी बार्कमैन स्ट्रीट 125। सुजुकी बार्कमैन स्ट्रीट 125 एक प्रीमियम स्कूटर है जो अपने स्पेशियस डिजाइन और एट्रैक्टिव कलर ऑप्शंस के साथ आती है। इस स्कूटर में आपको मैट ब्लैक, मेटालिक रॉयल ब्रोंज, पेल मैट शेडो ग्रीन, मेटालिक मैट ब्लैक, मेटालिक मैट बोर्डेक्स रेड, पेल माइलेज व्हाइट, मैट ब्लू एंड मैट बोर्डेक्स रेड कलर ऑप्शंस के साथ आपको देखने को मिलेंगे। इस स्कूटर में आपको 124cc का आपको इंजन देखने को मिल जाती है, जो कि प्रोड्यूस करती है 8.58 bhp ऑफ पावर। फुल टैंक कैपेसिटी आपको इस स्कूटर में 5.5 लीटर्स के देखने को मिल जाती है, जो कि प्रोड्यूस करती है लगभग 56 से लेकर 58 kmp माइलेज। ओवरऑल इस स्कूटर का जो वेट है वो 110 किलो की। प्राइस रेंज की बात करें तो बार्कमैन स्ट्रीट का जो बेस वेरिएंट है उसका प्राइस इंडिया में ऑन रोड स्टार्ट होती है 1,16,400 रुपये से, एंड जो टॉप वेरिएंट है उसका प्राइस इंडिया में ऑन रोड स्टार्ट होती है 1,39,180 रुपीज़ से। इस लिस्ट में 6th नंबर पे जो स्कूटर आती है उसका नाम है TVS Ntorq 125। TVS Ntorq 125 एक बहुत ही पॉपुलर स्कूटर है इंडिया में, जो कि एक एग्रेसिव डिजाइन और वाइब्रेंट कलर एडिशन के साथ आती है। इस स्कूटर में आपको मेटालिक ब्लैक ड्रम, ब्लैक कैन ब्लू, मैट रेड, मैट कॉपर, लाइट ग्रे एंड MotoGP एडिशन के साथ आपको देखने को मिलेंगे। इंजन की बात करें तो इस स्कूटर में आपको 124.8cc का आपको इंजन देखने को मिलेंगे, जो कि प्रोड्यूस करती है 9.25 bhp ऑफ पावर। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इस स्कूटर में 5.8 लीटर्स के देखने को मिलती है, जो कि प्रोड्यूस करती है लगभग 40 से लेकर 42 kmp माइलेज की। वेट की बात करें तो इस स्कूटर में आपको 118 किलो की वेट देखने को मिल जाती है। बात करते हैं प्राइस रेंज की तो TVS Ntorq 125 का जो बेस वेरिएंट का प्राइस इंडिया में ऑन रोड स्टार्ट होती है वो है 1,04,000 रुपये से, एंड जो टॉप वेरिएंट है उसका प्राइस स्टार्ट होती है इंडिया में ऑन रोड 1,18,000 रुपये से। तो दोस्तों, नंबर 5 पे जो स्कूटर आती है उसका नाम है हीरो मैस्ट्रो H 125। हीरो मैस्ट्रो H 125 एक स्टाइलिश स्कूटर है जो अपने स्लीक डिजाइन और वाइब्रेंट कलर ऑप्शन के साथ आती है। ये स्कूटर हीरो की बहुत ही पॉपुलर स्कूटर में से एक है। इस स्कूटर में आपको मेटालिक ब्लैक ड्रम, कैन ब्लू, मैट रेड, मेटालिक ब्लैक, रेसिंग ब्लू, डार्क मैट, मैट कॉपर, लाइट ग्रे एडिशन में आपको देखने को मिल जाती है। इंजन की बात करें तो मैस्ट्रो H 125 में आपको 124.6cc का आपको इंजन देखने को मिलेंगे, जिसका मैक्सिमम पावर आपको 9 bhp आपको देखने को मिलेंगे। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस स्कूटर में आपको 5 लीटर्स के देखने को मिलती है, जो कि प्रोड्यूस करती है 45 kmp माइलेज की। वेट की बात करें तो इस स्कूटर में आपको लगभग 111 किलो की वेट देखने को मिल जाती है।
प्राइस रेंज की बात करें तो मेस्ट्रो एज 125 का जो बेस वेरिएंट है उसका प्राइस ऑन रोड अप्रोक्स स्टार्ट होती है वो 1,06,000 रुपये से, एंड जो मेस्ट्रो एज 125 का जो टॉप वेरिएंट है उसका प्राइस इंडिया में ऑन रोड अप्रोक्स स्टार्ट होती है वो 1,17,000 रुपये से। इस लिस्ट में फोर्थ नंबर पे जो स्कूटर आती है उसका नाम है सुजुकी एवेनिस 125, जो कि एक मॉडर्न स्कूटर है जो अपने फ्यूचरिस्टिक डिजाइन एंड वाइब्रेंट कलर ऑप्शन के साथ आती है। इस स्कूटर में आपको मेटालिक 5 ग्रेडियन ग्रे, पेयल ग्लेज ऑरेंज, मेटालिक मैट ब्लैक एंड पेयल माइलेज व्हाइट एडिशन के साथ आपको देखने को मिलेंगे। इंजन की बात करें तो इस स्कूटर में आपको 124.3 सीसी का इंजन देखने को मिल जाती है जो कि प्रोड्यूस करती है 8.58 bhp ऑफ पावर। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस स्कूटर में आपको 5.2 लीटर्स की देखने को मिलती है जो कि प्रोड्यूस करती है 49.6 kmpl माइलेज की। वेट की बात करें तो एवेनिस 125 में आपको 106 किलो की वेट देखने को मिल जाती है। प्राइस रेंज की बात करें तो सुजुकी एवेनिस 125 का जो ऑन रोड प्राइस एक्सपेक्टेड स्टार्ट होती है वो बेस वेरिएंट पे 1,14,000 रुपये से, एंड जो टॉप वेरिएंट है उसका प्राइस स्टार्ट होती है 1,15,200 रुपये से। इस लिस्ट में थर्ड नंबर पर जो स्कूटर आती है उसका नाम है TVS जुपिटर 125, जो कि एक क्लासिक स्कूटर है और ये स्कूटर इंडिया में बहुत ही पॉपुलर और मोस्ट सेलिंग स्कूटर में से एक है, जो कि अपने कंफर्टेबल डिजाइन एंड वाइब्रेंट कलर ऑप्शंस के साथ आती है। इसमें आपको ऑटम ब्राउन, एंडी ब्लू, मैट ब्लैक, मिडनाइट ब्लैक, प्रिस्टन व्हाइट, टाइटेनियम ग्रे, वॉल्कैनो रेड, वॉलनट ब्राउन, मिस्ट्रिक ग्रे, रीगल पर्पल, रॉयल वाइन एंड स्टारलाइट ब्लू कलर ऑप्शंस के साथ आपको देखने को मिलेंगे। इंजन की बात करें तो इस स्कूटर में आपको 124.8 सीसी का इंजन देखने को मिलती है जो कि 8.04 bhp ऑफ पावर के साथ आती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस स्कूटर में आपको 5.1 लीटर्स के देखने को मिलेंगे जो कि लगभग आपको 50 kmpl माइलेज इस स्कूटर में आसानी से दे देती है। वेट इस स्कूटर में आपको 108 किलो देखने को मिल जाती है। प्राइस रेंज की बात करें तो TVS जुपिटर 125 का जो बेस वेरिएंट का जो प्राइस इंडिया में ऑन रोड अप्रोक्स स्टार्ट होती है वो 1,06,000 रुपये से, एंड जो टॉप वेरिएंट से उसका प्राइस इंडिया में स्टार्ट होती है 1,21,700 रुपये से। तो दोस्तों इस लिस्ट में सेकेंड नंबर पर जो स्कूटर आती है उसका नाम है यामाहा रेजेडर 125, जो कि एक प्रीमियम स्कूटर है जो अपने एग्रेसिव डिजाइन और वाइब्रेंट कलर ऑप्शंस के साथ आती है। और ये स्कूटर यामाहा की बेस्ट सेलिंग स्कूटर है जो कि कैन ब्लू, मैट रेड, मेटालिक ब्लैक, रेसिंग ब्लू, डार्क मैट ब्लू, मॉन्स्टर एनर्जी एंड मोटोजीपी एडिशन के साथ आती है। इस स्कूटर में आपको 125 सीसी के इंजन देखने को मिलेंगे जो कि प्रोड्यूस करती है 8.04 bhp ऑफ पावर। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस स्कूटर में आपको 5.2 लीटर्स के देखने को मिलती है जो कि लगभग 49 kmpl माइलेज के साथ स्कूटर आती है। वेट की बात करें तो यामाहा रेजेडर 125 में आपको 99 किलो का वेट देखने को मिल जाती है। प्राइस रेंज की बात करें तो रेजेडर 125 का जो बेस वेरिएंट का प्राइस इंडिया में ऑन रोड अप्रोक्स स्टार्ट होती है वो 1,08,500 रुपये से, एंड जो टॉप वेरिएंट से उसका प्राइस स्टार्ट होती है 1,19,000 रुपये से। तो दोस्तों इस लिस्ट में आखिरी और फर्स्ट नंबर पे जो स्कूटर आती है उसका नाम है द मोस्ट पॉपुलर होंडा एक्टिवा 125, जो कि एक रिलायबल स्कूटर है जो कि एक क्लासिक डिजाइन के साथ आती है। और ये स्कूटर इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है, जो कि मिडनाइट ब्लू मेटालिक, ब्लैक पेल, अमेजिंग व्हाइट, रेबल रेड मेटालिक, मैट क्रस्ट मेटालिक, मैट सेलेंस सिल्वर मेटालिक कलर ऑप्शन के साथ आती है। इंजन की बात करें तो इस स्कूटर में आपको 124 सीसी का इंजन देखने को मिलती है जो प्रोड्यूस करती है 8.19 bhp ऑफ पावर। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस स्कूटर में आपको 5.3 लीटर्स की देखने को मिलेंगे जो कि लगभग 46 kmpl माइलेज आसानी से दे देती है। वेट आपको इस स्कूटर में 110 किलो का देखने को मिल जाती है। बात करते हैं प्राइस रेंज की, तो होंडा एक्टिवा 125 का जो ऑन रोड प्राइस इंडिया में अप्रोक्स स्टार्ट होती है वो बेस वेरिएंट पे आपको 1,02,000 रुपये से स्टार्ट होती है, और जो टॉप वेरिएंट है जो कि 8 स्मार्ट कनेक्ट वेरिएंट है उसका प्राइस इंडिया में अप्रोक्स ऑन रोड 1,11,000 रुपये से। सो दोस्तों ये थी 2024 की टॉप एंड बेस्ट 125 सीसी स्कूटर्स जो कि OBD2 मॉडल के साथ आती है। और ये सभी स्कूटर्स आपको हाई माइलेज के साथ साथ ज़्यादा परफॉर्मेंस और डेली कम्यूटर के लिए भी बेस्ट है। और इन सभी स्कूटर में से आपको कौन सी स्कूटर सबसे ज़्यादा पसंद है और आप कौन सी लेना चाहते हैं और आपका क्या ओपिनियन है, ज़रूर से हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूले। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर से वीडियो को लाइक एंड ट्रू MTR को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना ना भूले, ताकि आपको आने वाले ऑटोमोबाइल इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, अभी के लिए गुड बाय।